हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि होने वाला है जनरल अवेयरनेस से। ये जो क्वेश्चंस होने वाला है आप लोगों की जो एग्जामिनेशन हुई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जो कि हुई थी 5th of November 2019 में एंड 25th of October 2019 को ये एग्जामिनेशन हुई थी। तो उनमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस सेशन को लाने का मुद्दा यही था कि आप लोगों की आने वाली डेज में जो है कुछ ही जल्द ही कुछ दिनों में सीरीज स्टार्ट होने वाली है आप लोगों का जो नॉन टेक्निकल आता है उसकी। तो उससे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं, हम लोग ये एनालाइज करना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एंड उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारी सीरीज़ को लेकर आएंगे। किस टाइप का पेपर पैटर्न था, कितना डिफ़िकल्ट था, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, ये सारी चीज़ों को आज हम एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट आने वाले डेज में हम सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सबसे पहले एक बार मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के लिए टेक्निकल जो है वो भी 100 मार्क के लिए एंड नॉन टेक्निकल जो है वो भी 100 मार्क के लिए आने वाला है। सो नॉन टेक्निकल में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए होगा। देन आता है रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि मैथ्स जो है वो आपका अगेन 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आएगा। देन है हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इंडिविजुअली 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आएंगे। एंड इनको कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के आपको आने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को ये समझ ही आया होगा कि आपके लिए जो नॉन टेक्निकल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह आप लोग टेक्निकल की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो आपकी एग्जामिनेशन के लिए, उसी तरह आप लोगों को नॉन टेक्निकल पढ़ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ते हो और नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जो लोग साइमल्टेनियसली दोनों सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ते हैं उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। बट जो लोग कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल को ध्यान नहीं देते हैं, ऑन टाइम पढ़ते हैं, तो वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते नॉन टेक्निकल में। जस्ट बिकॉज ऑफ वो नॉन टेक्निकल में अच्छा स्कोर नहीं करते तो उनका सिलेक्शन जो होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो इसीलिए हम इन सारे सेक्शंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं। इन सारे सेक्शन का जितना भी सिलेबस है आपका डेफिनेटली मैं कवरअप करवाने की कोशिश करूंगी। जितने भी सेक्शंस हैं जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारे सेक्शन के लिए मैं आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड करूंगी, आप लोगों के लिए स्पेशल ई बुक्स प्रोवाइड करूंगी। एंड अभी कुछ जो ई बुक्स हमारी ऑलरेडी है वो कुछ आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप लोगों को किस तरह जनरल अवेयरनेस की स्टडी स्टार्ट करनी है, किस तरह आप मैथ्स की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग हमारी ई बुक से। सो सबसे पहले हमारी जो ई बुक है वो एक जनरल अवेयरनेस की ई बुक है। अगर आप लोगों के पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होगा तो आप उस पर आप लोगों को ये ई बुक मिल जाएगी। जिन भी लोगों को पता होगा ये ई बुक के बारे में, सो इस ई बुक में जो है कंप्लीट स्टैटिक जीके कवरअप होता है, हिस्ट्री कवरअप होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स। सो इनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट आता है, जितना भी इम्पॉर्टेंट डेटा आता है वो सारा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ साथ इसी के बेसिस पे आप लोगों को MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी नज़र आएंगे एंड आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी। इस जो बुक है ये 150+ पेजेस की बुक है जिसमें सारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो स्टैटिक पोर्शन रिलेट करता है वो सारा आपका कवरअप होता है। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि नॉन टेक्निकल का जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो ये ई बुक आपके लिए बेस्ट है। आप लोगों को जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुछ क्वेश्चन का जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो इस बुक में आपको डेफिनेटली नज़र आएगा। आप लोगों को इस अगर आप ये सेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे हुए, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है तो उन्हीं से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको सेम इन्फॉर्मेशन इस ई बुक में मिलेगा। एंड ये ई बुक आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि आप लोगों को किस तरह पढ़ाई करना है। अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है एंड इसीलिए आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया होगा तो आपने स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए ये ई बुक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करते हो Flat40 का तो आपको 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से इस ई बुक को परचेस कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट
ये बात हुई जनरल अवेयरनेस की। नेक्स्ट बात आती है मैथ्स की। सो मैथ्स भी आप लोगों को 20 मार्क का पूछा जा रहा है एंड उसमें जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपकी ये सिंगल एक मैराथन जो है इसका वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप लोगों को इसका ई बुक चाहिए होगा तो अगेन वो कोचिफाई के एप्लीकेशन से आप ले सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है पर्टिकुलर जो भी आपको टॉपिक का देखना चाहते हो, आप परसेंटेज का देखना चाहते हो, एवरेज का देखना चाहते हो, तो उसका पर्टिकुलर जो टाइमिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप जिस भी टॉपिक का देखना चाहते हो आप देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये मैथ्स का मैराथन का एक सिंगल वीडियो, क्योंकि अगर आपके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ फॉर्मूलाज पता नहीं होंगे वो पता हो जाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो भी पता चल जाएगी। तो ऑल इन ऑल मैथ्स के लिए ये परफेक्ट है, जो कि आपके सारे टॉपिक्स एक सिंगल मैराथन में कवर अप होते हैं। एंड ई बुक चाहिए तो आप ई बुक भी ले सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में नॉट ओनली स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिसंबर मंथ के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिसंबर का जो वीडियो है, 1 दिसंबर to 31 दिसंबर का वीडियो मैंने रिसेंटली जस्ट अपलोड किया है आप लोगों के लिए। मैंने एग्जाम भी मेंशन किया था DSSB। आप लोग अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आफ्टर दिस वीडियो आप ये सेशन भी ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि ये जो सेशन है करंट अफेयर का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको दिसंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया है। अगर आपको इसका ई बुक चाहिए तो अगेन कोचिफाई के एप्लीकेशन पर आपको इसका ई बुक अवेलेबल है, ठीक है। सो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, हम स्टैटिक क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, हम मैथ्स को भी पढ़ेंगे, हम रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के भी सेशंस आप लोगों को मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आपको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर। सो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते थे। सो संतूर ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडवानी इज अ फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। सो पंडवानी एक फोक म्यूजिक है, कौन से स्टेट का है ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Washington DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द किंगडम नेम्ड हिंदवी स्वराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था हिंदवी स्वराज को। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारुपल्ली कश्यप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। सो पारुपल्ली कश्यप जो है ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट इज नॉट अ रेप्टाइल। इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है जो कि रेप्टाइल नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेंगुइन जो है वो कोई रेप्टाइल नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हो क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टल, ये बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो रेप्टाइल्स है, बट पेंगुइन कोई रेप्टाइल नहीं है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है वर्ल्ड का। सो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, जो कि 1875 में आया था, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसल कन्वेंशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल हजार्ड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कंट्रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट मटेरियल्स एंड डिस्पोजल ऑफ दिस सब्सटेंसेस। तो बेसल कन्वेंशन ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन से एनवायरमेंटल हजार्ड के लिए संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, वो है गुरुग्राम। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट विल बी एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द टोक्यो ओलंपिक 2020।
सो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार इनमें से कौन से स्पोर्ट को ऐड किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आंसर हो जाएगा स्केटबोर्डिंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 न्यू स्पोर्ट को जो है 2020 के समर ओलंपिक्स में ऐड किया गया था, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल फॉर मेन एंड सॉफ्टबॉल फॉर वुमेन। सो ये सारे 5 गेम्स जो है टोक्यो ओलंपिक्स के 2020 में ऐड किए गए थे। ओके, सो उनमें से जो ऑप्शन था स्केटबोर्डिंग, ये करेक्ट आंसर था। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पूछा गया था कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के, सो वो थे एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील विद हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रजत रंगिनी। रजत रंगिनी जो है ये टेक्स्ट जो है ये कश्मीर के जो किंग थे, राजा थे, उनके हिस्ट्री से ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आर्टिकल 371A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनमें से किससे रिलेट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। सो नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था अंडर दिस आर्टिकल, एंड एक साइड में आप लोगों को चार्ट दिया होगा, उसमें आप लोगों के लिए ये मेंशन किया गया है कि बाकी सारे स्टेट्स को भी जो एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, जैसे कि आसाम को 371B में दिया गया था, 371C में मणिपुर को दिया गया था, 371D एंड E में आंध्र प्रदेश को दिया गया था, 371F में सिक्किम को दिया गया था, 371G में मिजोरम को दिया गया था, 371H में जो है वो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था, देन आता है 371I जिसमें गोवा को दिया गया था, एंड 371J जिसमें 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। सो ये 371 की जो सीरीज है फ्रॉम ए टू जे मैंने सारी आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन की है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे स्टेट्स को जो है वो स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। तो हमें जो पूछा गया था वो 371A था, जो कि रिलेट करता है नागालैंड से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द काकरापार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड। सो काकरापार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है वो कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में है ये, जिसका जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो है 700 मेगावाट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच सिख गुरु गेव द आइडिया ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट का जो आइडिया है कौन से सिख गुरु ने प्रोवाइड किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अंगद देव जो थे, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का जो है आइडिया दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाय द बैक्टीरिया। इनमें कौन सा डिजीज जो है जो कि बैक्टीरिया के वजह से नहीं होता है, वो है पोलियो। पोलियो जो होता है ये हमें वायरस की वजह से होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज मदर टेरेसा ऑनर विद भारत रत्न अवार्ड। मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड कौन से साल में दिया गया। आंसर है ऑप्शन डी 1980 में मदर टेरेसा को नवाजा गया था भारत रत्न अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द कंपनी ऑफ वुमेन। आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। सो द कंपनी ऑफ वुमेन इस बुक को लिखा गया था खुशवंत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ डैश। सो गवर्नर जो है वो कितने साल का कार्यकाल जो है वो प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है, ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे 5 गिवन होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता 5, बट यहाँ पे 5 न होते हुए ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट गिवन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन द टेबल ऑफ प्रायोरिटी। आंसर हो जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर करना है कि कौन हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एक्चुअल पोजीशन जो होता है गवर्नमेंट
पोस्ट का उनमें सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाती है, कौन टॉप पे होता है और उसका जो रैंकिंग है, एक्चुअल रैंकिंग मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, उसे आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, हाईएस्ट उसका पोजीशन होता है प्रेसिडेंट का, देन आता है वाइस प्रेसिडेंट, देन आता है फिर प्राइम मिनिस्टर, देन आता है गवर्नर, देन आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब कि जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, देन आता है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसी का उसी जितना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इम्पॉर्टेंस होता है, उसी तरह जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका भी उतना ही इम्पॉर्टेंस होता है। देन सेवेंथ पोजिशन पे आप देख सकते हो एथ, नाइन्थ एंड सो ऑन। सो ये सारा एक्चुअल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है, मतलब कि आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कौन किसको कितने बेसिस पे प्रायोरिटी दी गई है, कैसा रैंकिंग सेट किया गया है। ओके, सो हमारे ऑप्शन में जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो हाई रैंक करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द लीड ऑफ द बॉटल। सो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होती है बॉटल की जो लीड होती है उसे ओपन करने के लिए, तो वो होता है टॉर्क। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉर्क फोर्स को जो है ओपनिंग और क्लोजिंग फोर्स भी कहा जाता है, सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉटल की लीड ओपन करने के लिए। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का फोक थिएटर डांस फॉर्म है। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जत्रा जो है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, कृष्णट्टम जो है वो केरला से बिलोंग करता है, और यक्षगान जो है वो कर्नाटका से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो ओरिजिनली बिल्ड द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई। सो मीनाक्षी टेम्पल मदुराई का किसने बिल्ड किया है, आंसर हो जाएगा कुलशेखर पनियानी जो है उन्होंने इसे बिल्ड किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मदुराई के तमिलनाडु में है ये मीनाक्षी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट शीश महल टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड। सो ये शीश महल टूर्नामेंट जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है ना ये 1951 में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड मेडल इज गिवन। इनमें से कौन से फील्ड में जो है फील्ड्स मेडल ये दिया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स में ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है फील्ड्स मेडल का। ठीक है, फिजिक्स में, आर्किटेक्चर में एंड पीस मिशन में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, ये मैंने ये इस टेबल में मेंशन की है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, श्रीकांत किदंबी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पोर्ट्स। तो श्रीकांत किदंबी जो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया था, मतलब कि कौन से कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, तो ये स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जो कि हैदराबाद से है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है 2018 में दिया गया था, एंड इन्हें अर्जुना अवार्ड जो है 2015 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि मनी बिल डिफाइन करता है, वो है आर्टिकल 110। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि दर्शाता है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अ पर्सन हु हैज वॉलंटरीली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा से किसी अदर फॉरेन कंट्री का जो है सिटीजनशिप अक्वायर किया है, सो उसे इंडिया का सिटीजन नहीं कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द इंडियन डीटी। सो अलवर जो है वो किस इंडियन डीटी के भक्त होते हैं, वो विष्णु जी के भक्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर्स मतलब कि हु इज इमर्स इन डिवोशन टू विष्णु, मतलब जो विष्णु जी को बहुत मानते हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबाल रिवर। सो इनमें से कौन सा डैम जो है जो कि चंबाल रिवर के ऊपर नहीं बनाया गया है, वो है ऑप्शन ए इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा सागर डैम।
ठीक है। गांधी सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर डैम जो है वो राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर डैम जो है वो अगेन राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना, चाइना का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स डैश। एसिडिक सॉल्यूशन में चाइना रोज जो है ये एक इंडिकेटर है, तो वो जब टर्न होता है तो वो कौन से कलर में टर्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैजेंटा, मतलब कि डार्क पिंक कलर में वो चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच डायनास्टी दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम, किनकी डायनास्टी में दिल्ली जो है वो फर्स्ट टाइम जो है कैपिटल बना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोमर राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वायरस कॉजेस कैंसर, किस टाइप का वायरस जो है जिसके वजह से कैंसर होता है। सो ऑन्कोजेनिक वायरस जो होता है उसके वजह से कैंसर होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद विडो रीमैरिज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थी वो विडो रीमैरिज से एसोसिएटेड थी। विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में आया एंड द एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहाउजी एंड इट वॉज पास बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 25th of July 1856। एंड आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो विडो री मैरिज से एसोसिएटेड है, सो वो थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर नोन एज एक्सक्लूडेबल गुड्स, इनमें से कौन से गुड्स को एक्सक्लूडेबल गुड्स कहा जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राइवेट गुड्स को कहा जाता है एक्सक्लूडेबल गुड्स। प्राइवेट गुड्स ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक पार्टी यूज़ करता है, एक इंडिविजुअल यूज़ करता है। बाकी अगर आप गुड्स की बात करते हो जैसे कि मेरिट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो कि आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। डीमेरिट गुड मतलब कि जो बैड होते हैं जैसे कि अल्कोहल सिगरेट। पब्लिक गुड मतलब कि ऐसे गुड्स, ऐसी सर्विसेज जो कि सबके लिए दी जाती है, जिसको कहीं एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं जिन्हें कि एक्सक्लूडेबल गुड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एंटिटी या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए ही होते हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कोलेशन ईयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। सो द कोलेशन ईयर्स के जो ऑथर थे वो थे प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाड़ी हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जवाड़ी हिल्स जो है वो इनमें से कौन से पार्ट से बिलोंग करती है। सो इस्तिन घाट से में आती है जवाड़ी हिल्स, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्तिन घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। उस टाइम पे पूछा गया था जिस टाइम पे ये एग्जामिनेशन था कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट। सो तब थे विद्यासागर राव, बट अगर हम अभी की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स मल्टीप्लाइड बाय द फर्म आउटपुट। सो ये एक डेफिनेशन पूछी गई थी कि मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो फर्म का आउटपुट होता है तो हमें क्या मिलता है, तो मिलता है टोटल रेवेन्यू। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 40 क्वेश्चन जो थे ये DSSB के एग्जामिनेशन में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आने वाली सीरीज में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, अगर आपको सीरीज़ को फॉलो करना है एंड आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी नया वीडियो आए आपकी इस सीरीज़ का तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।